क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें एक नया पॉइंट है, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। ठीक है, अब इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग क्या होगी कि पेरेंट्स और सब्सिडी आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे कहते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रेड। अच्छा, अब इसकी यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट होगी, एक बताता हूँ। इसकी एक एडजस्टमेंट तो रिसीवेबल पेबल में होती है ना, ट्रेडिंग के पेरेंट्स और सब्सिडरी आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, एक बाय कर रहे हैं, एक सेल कर रहे हैं। अच्छा, एक इसकी एडजस्टमेंट होती है रिसीवेबल पेबल में, रिसीवेबल पेबल्स को हम कैंसिल कर देते हैं ना। अच्छा, दूसरी इसकी एडजस्टमेंट होती है स्टॉक में, स्टॉक में इसकी एडजस्टमेंट होती है। चलिए बारे में समझाता हूँ। देखिए, एच ट्रांसफर गुड्स टू एच एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 18,000, ठीक है, एट अ मार्कअप ऑफ 50%, ठीक है, 18,000 के गुड्स है, मार्कअप है 50% का। अच्छा, 2/3 रिमेन्ड इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, इसमें 2/3 यानी कि अनसोल्ड है, बचा हुआ माल। अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी वो समझाते हैं, कि एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। पेरेंट कंपनी है, इसको हम लिखते हैं पी कंपनी, और ये इसकी सब्सिडरी है एस कंपनी, ये पूरा ग्रुप हो गया। अच्छा, पेरेंट्स ने सब्सिडरी को गुड सेल की, इसकी कॉस्ट है 10,000, एग्जांपल पहले हम देख रहे हैं, इसमें प्रॉफिट इसने ऐड किया 20%, 2,000, सेल कितने में की, 12,000, ठीक है। अच्छा, तो 12,000 में पेरेंट्स ने सब्सिडी को गुड्स सेल कर दी। अच्छा, पेरेंट्स की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, ये पेरेंट्स की एंट्री हो जाएगी बुक्स में, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स। यू गेट 12,000 रिसीवेबल और 12,000 सेल्स। अच्छा, सब्सिडी परचेज रिकॉर्ड करेगी अपने पास, सब्सिडी कैंट्री बनाएगी, परचेजेस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगा 12,000। तो देखिए, इस वक्त ये गुड्स जो हैं ग्रुप में मौजूद हैं, इस वक्त ये गुड्स कहाँ हैं, ग्रुप के अंदर ही है ना, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें प्रॉफिट कितना है, 2,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। अच्छा, आप फर्स्ट सपोज कर रहे हैं कि सब्सिडरी ने इसमें से कोई भी गुड्स सेल नहीं की, सब्सिडी ने कस्टमर्स को गुड्स सेल नहीं की, 100% गुड्स स्टॉक में पड़ी हुई है। अच्छा, तब तो इसको अगर हम एज अ ग्रुप देखें तो जो 2,000 का प्रॉफिट है क्या वो रियलाइज हो गया, नहीं। इंडिविजुअली देखे तो पेरेंट्स ने सब्सिडी को गुड सेल की, तो सब पेरेंट ने तो प्रॉफिट रियलाइज कर लिया, लेकिन एज अ ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप ने प्रॉफिट रियलाइज नहीं किया। कब रियलाइज होगा, जब वो, हाँ, सब्सिडी जो है वो कस्टमर को गुड सेल करेगी, तो ये 2,000 का प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, और जब तक ये गुड्स ग्रुप में है तब तक ये 2,000 का प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तब हम क्या करेंगे, जब इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस होगा, एक एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, अनरियलाइज है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसे हम रिटेन अर्निंग से माइनस कर देंगे। और सेकंड, जो अब देखें प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था पेरेंट्स ने, तब हम पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे कंसोलिडेट करते हुए, और सब्सिडरी ने स्टॉक रिकॉर्ड किया था, तब सब्सिडरी के स्टॉक में से भी हम 2,000 प्रॉफिट माइनस करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल पता है आपको, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी। तो इसमें क्या करेंगे, हम सब्सिडरी के स्टॉक से 2,000 अनरियलाइज प्रॉफिट लेस होगा,
और पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग्स से 2000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस, तो ये इसकी एडजस्टमेंट होगी इन्वेंट्री की। सही। अच्छा सपोज कर लेंगे एक सब्सिडरी ने 50% गुड्स सेल कर दी कस्टमर्स को, 50% स्टॉक में है, तो 50% सेल होने का मतलब इस 2000 में से 1000 का प्रॉफिट रियलाइज रियलाइज हो गया, 1000 का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, तो 1000 की हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक। अब 1000 की एडजस्टमेंट क्या होगी, कैसे, पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग्स से 1000 लेस करेंगे और सब्सिडरी के स्टॉक से भी 1000 लेस कर। ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट इसके अंदर अब है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग का, इसमें हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक। अच्छा तो यहां देखिए क्वेश्चन में क्या लिखता है, अब सब्सिडरी ने पेरेंट्स को गुड्स ट्रांसफर की हैं 18,000 की, जिसपे मार्कअप है कितना, 50% का। ठीक है, और उसमें से 2/3 स्टॉक में मौजूद है, तो इट मीन्स कि 2/3 आपका प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, अब उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। करनी होगी। ठीक। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, यहाँ पर मैंने वर्किंग पूरी की हुई है, देखिए कुछ इस तरह होगी इसकी एडजस्टमेंट। अब अच्छा इसके लिए टर्म यूज होगी वो होगी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा सब्सिडियरी ने गुड सेल किए पेरेंट्स को, कितने की सेल हो रही है, 18,000। सब्सिडियरी ने अपने पास एंट्री बनाई होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, पेरेंट्स एंट्री रिकॉर्ड की होगी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ठीक है, अब हमें इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अच्छा सेल कितने की हो रही है, 18,000, मार्कअप 50%, तो ये हो गया 600,000, कॉस्ट आ गई 12,000। ठीक। अच्छा मार्कअप का पता है ना, मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट 50 है, तो सेल 150, तो इसलिए हमने 50/150 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा अभी 6,000 का टोटल प्रॉफिट है, अब इसमें से अनरियलाइज कितना होगा, 2/3। देखिए स्टॉक कितना बचा हुआ इसके पास, 2/3 स्टॉक है ना, इसमें से 2/3 प्रॉफिट अनरियलाइज हुआ, टोटल प्रॉफिट 6,000 है, इसमें से अनरियलाइज कितना होगा, 2/3, जितना स्टॉक बचेगा उतना ही प्रॉफिट अनरियलाइज होगा, तो अनरियलाइज प्रॉफिट आपके पास आ गया 4,000 का। ठीक है। अच्छा अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, अब देखिए सेल किसने किए हैं, सब्सिडरी ने सेल किए हैं, तो प्रॉफिट सब्सिडरी ने रिकॉर्ड किया होगा ना, तो इसलिए हम ये 4,000 अब सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे सैलर की रिटेन अर्निंग से, और गुड्स बाय किसने की, पेरेंट्स तो स्टॉक किसके पास है, पेरेंट्स के पास, तो अब ये 4,000 हम पेरेंट्स के स्टॉक से माइनस करेंगे, जो सेल करेगा उसकी रिटेन अर्निंग से माइनस करना है आपने पर, और जो बाय करेगा उसके स्टॉक से माइनस करेंगे। नीचे मैंने लिख भी दिया, सब्ट्रैक्ट 4,000 फ्रॉम सब्सिडी रिटेन अर्निंग और सब्ट्रैक्ट 4,000 फ्रॉम पेरेंट इन्वेंट्री। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं होता है उसे रिकॉर्ड नहीं करते। सही, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा अब बाकी वर्किंग्स वही होंगी जो हमने पहले की थी, ये इसमें एक एडिशनल वर्किंग आ जाएगी। ये इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग जब होगी तो वहां एक पर्प की एडिशनल वर्किंग आएगी, बाकी वर्किंग सारी वही। अच्छा वर्किंग वन इस पे लिखेंगे ग्रुप स्ट्रक्चर, यहाँ पे पेरेंट कंपनी है एच, सब्सिडी है एस, 90% शेयर एक्वायर किए January 1, 2000। इसके बाद ये एक पर्प की वर्किंग आ गई, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्लियर है। अच्छा टोटल प्रॉफिट 6,000, उसमें से अनरियलाइज 2/3, 4,000। अच्छा सेकेंड वर्किंग हुई हमारी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, अब सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग पे चलते हैं, शेयर कैपिटल कितना है, 5, शेयर प्रीमियम नहीं दिया हुआ, अब रिटेन अर्निंग है एट रिपोर्टिंग डेट 31, और एक्विजिशन पे कितनी थी,
के ऊपर इसने मेंशन किया यहाँ पे। हाँ ये रहा, रिटेन अर्निंग ऑफ एसिस्टेड एट 5,000, ये 5 हो गया एट एक्विजिशन और 31 एट रिपोर्टिंग। जिसके बाद अब हमने पर्प की एडजस्टमेंट करनी है। पर्प जो है, अब गुड्स सब्सिडी ने सेल की थी ना, सब्सिडी ने पेरेंट्स को सेल किए, तो पर्प जो है वो सब्सिडी की रिटेन अर्निंग से माइनस होगा। अच्छा, अब ये दोनों में से माइनस होगा या किसी एक में से? दोनों में से रिपोर्टिंग से माइनस होगा। हाँ नहीं, अब इसे हम माइनस करेंगे रिपोर्टिंग डेट से, क्योंकि देखिए ग्रुप में ट्रेडिंग कब स्टार्ट होती है? एक्विजिशन के बाद, एक्विजिशन से पहले, एक्विजिशन के बाद, ठीक है। तो एक्विजिशन डेट वार में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्ट होती है एक्विजिशन के बाद, इसलिए पर्प की एडजस्टमेंट सिर्फ रिपोर्टिंग डेट से होगी। तो रिपोर्टिंग डेट रिटेन अर्निंग से 4 माइनस हो जाएंगे और ये हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे एट रिपोर्टिंग डेट और एट एक्विजिशन डेट, ठीक है। क्लियर? तो अब ये पॉइंट याद रखिएगा, पर्प रिपोर्टिंग डेट से माइनस होगा, एक्विजिशन डेट से माइनस नहीं होगा, क्योंकि इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग स्टार्ट होती है एक्विजिशन के बाद। अच्छा, वर्किंग 3, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है? नीचे दिया हुआ इन्वेस्टमेंट इन एस एट कॉस्ट 34, इन्वेस्टमेंट आ गई, पेरेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें ऐड करेंगे एनसीआई वैल्यू, एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन कितनी है यहाँ पर? 4,000, ये लास्ट में दिया हुआ है 4,000, और इसमें से माइनस करेंगे नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, और वो हमें मिलेंगे वर्किंग 2 से। तो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन है 10, एंड इसमें से लेस करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी गुडविल 28, गुडविल आ गई। वर्किंग 5, वर्किंग 4, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, तो एनसीए वैल्यू एट एक्विजिशन कितनी है? 4,000। अब इसमें ऐड करेंगे एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, तो वर्किंग 2 पे चलते हैं। अच्छा, वर्किंग 2 में देखें रिटेन अर्निंग था 5 और 31। अच्छा, अब ये जो 4 है, अच्छा अब हम सिर्फ 5 और 31 का डिफरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें रिटेन अर्निंग से 4 भी तो माइनस करने ना पहले पर। तो इसमें क्या होगा, पहले 31 में से 4 माइनस होंगे, तो याद आएगा 27, तो 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा आपके पास पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है, नेट एसेट्स का डिफरेंस ले लें आप, 32 माइनस 10, 22 आ रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो बेहतर ये क्या, आप डायरेक्ट नेट एसेट्स का डिफरेंस निकाल, 32 माइनस 10, तो 22 आपके पास आ गया पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। अब इसमें से एनसीए को कितना शेयर मिलेगा, तो पेरेंट्स ने कितने परसेंट शेयर एक्वायर किया है? 90%। एनसीए का शेयर होगा 10%, 22 का 10%, 2.2, एनसीए वैल्यू आ गई 6.2। वर्किंग 5, ग्रुप रिटेन अर्निंग, पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग है 159, उसमें ऐड करेंगे हम पोस्ट ग्रुप पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, इसको 22 का 90%, 19.8, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ग्रुप रिटेन अर्निंग आ गई 178.8। वर्किंग कंप्लीट, बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 100 और 30। इसके बाद ठीक है, अब आ जाएंगी गुडविल,
गुडविल के बाद अच्छा ये लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी एट कॉस्ट 34, तो ये नहीं आएगी। जब इन्वेंट्री पे है, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है 90, क्लोजिंग बैलेंस और इसका 90 और 20। अच्छा अब यहाँ पे पर्प की एडजस्टमेंट होगी। अच्छा अभी गुड्स बाय किसने की थी? पेरेंट्स ने। तो पेरेंट्स का स्टॉक कितना है? 90। अब 90 में से पर्प माइनस होगा और फिर उसमें 20 ऐड करेंगे। तो करंट एसेट्स इन्वेंट्री 90 माइनस 4 पर्प प्लस 20 सब्सिडी है। सब्सिडी की इन्वेंट्री है ना, 90 पेरेंट्स की इन्वेंट्री, 20 सब्सिडी की इन्वेंट्री। तो पेरेंट्स की इन्वेंट्री से पर्प माइनस होगा। इसके बाद रिसीवेबल्स है पेरेंट्स या 110, सब्सिडी के रिसीवेबल्स 25, जिसमें से हम वो इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेबल माइनस करेंगे। जैसे करंट अकाउंट इन HNS स्टूड एट 22,000 ऑन दैट डे। अब रिसीवेबल्स में से 22 लेस होंगे। के बाद बैंक बैलेंस है 10 और 5, दोनों को ऐड कर लेते हैं और ये इसके टोटल एसेट्स आ गए। अब इक्विटी, इक्विटी में पेरेंट्स की शेयर कैपिटल आएगी कितनी है? 15। के बाद ग्रुप रिटेन अर्निंग वर्किंग 5 से, ठीक है। फिर एनसीआई वर्किंग 4। के बाद लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज में नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं 120 और 128। करेंट लाइबिलिटीज 50 और 16, और इसमें से भी 22 माइनस हो जाएगा इंट्रा ग्रुप करंट अकाउंट बैलेंस, और ये इसका टोटल कर लेंगे कि बैलेंस शीट कंप्लीट।